गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। SST की क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ग्लोब। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग ग्लोब जो हमारा चैप्टर है इसका फर्स्ट पेज डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की थी, जैसे कि अर्थ पर कितने ओशंस हैं, 5। मैंने आपको जो क्वेश्चंस भी दिया था कि अर्थ पर कितने ओशंस हैं, 5 हैं, और उनके नेम आपको बताने थे, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए पहले अपना आंसर देखते हैं। आई होप कि आप सभी ने भी इसी तरीके से किया होगा जैसे कि हमने स्टार्ट किया था अपना। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन नोट किया था फर्स्ट, उसी के पीछे उसी के नीचे से मैंने आपको बोला था कि आप नोट कर सकते हैं ताकि हमारा पेज वेस्ट ना हो। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी कल, उसका जो हमने क्वेश्चन नोट किया था, हाउ मैनी ओशंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं, राइट देयर नेम्स, उनके नेम लिखने थे। आंसर, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं, उनके नेम, फर्स्ट पैसिफिक ओशन, क्या है, पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, रिपीट कीजिए मेरे साथ, अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, नंबर 4 आर्कटिक ओशन, नंबर 5 अटलांटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन। जो हमारा नंबर 5 है उसको 2 नेम से जानते हैं, अटलांटिक ओशन या साउदर्न ओशन। डन, आई होप कि आपने इसी तरीके से किया होगा। अभी हम आगे चैप्टर रीड करते हैं और इनकी क्या कुछ क्वालिटीज़ है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए बुक स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का चैप्टर। हम जो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे फन टू नो, यानी कि कुछ मज़ेदार बातें जो हमें जाननी चाहिए। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया। जो इंडियन ओशन है, कौन सा ओशन, इंडियन ओशन है, वो एक ऐसा ओशन है जिसका नेम एक कंट्री के ऊपर रखा गया है। द पैसिफिक, और जो पैसिफिक ओशन है इज़ द बिगेस्ट ओशन, ये कैसा है, बिगेस्ट है। एंड द आर्कटिक इज़ द स्मॉलेस्ट वन, और जो आर्कटिक है वो स्मॉलेस्ट है। डन, तो आपको जो ये फन वाला पोर्शन है, आपको अपने क्वेश्चन में जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, आप इसी के सामने यहाँ पर लिखेंगे, इसी के सामने यहाँ पर नोट करेंगे कि पैसिफिक क्या है, बिगेस्ट ओशन है, देखिए पैसिफिक ओशन बिगेस्ट ओशन है, इंडियन ओशन नेम्ड अ कंट्री, इंडिया, एक कंट्री के ऊपर नाम है इसका, और वो कंट्री कौन सी है, इंडिया। आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट, इस तरीके से आप इनको सामने कर लीजिएगा। अभी कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे चैप्टर रीड करते हैं और समझते हैं। देयर आर अदर स्मॉलेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर टू डिफरेंट टाइप एंड साइज, यहाँ पर जो अर्थ पर है अलग अलग तरह की स्मॉलेस्ट छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, अलग अलग तरह की और अलग अलग साइज़ की। दे आर नोन एज सीज, उनको हम जानते हैं सी सागर, बेस बंगाल, सॉरी खाड़ी, गल्फ्स इसको भी खाड़ी बोलते हैं, स्ट्रेट्स संधि होती है, जस लेक्स, झील, रिवर्स एंड कैनल्स। अमंग दीज वाटर बॉडीज देयर आर सिचुएटेड डिफरेंट लैंड मासेस, जो कई सारी जो वाटर बॉडीज होती हैं वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है। दीज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, तो जो ये जो लैंड होता है, जो उससे पूरा घिरा हुआ लैंड होता है वाटर बॉडी से, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। देयर आर
सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर सेवन कॉन्टिनेंट्स है। दे आर, इनके नेम है एशिया वन नंबर, यूरोप टू, अफ्रीका थ्री, नॉर्थ अमेरिका फोर, साउथ अमेरिका फाइव, ऑस्ट्रेलिया सिक्स और अंटार्कटिका लास्ट सेवन। डन। अब मैं आपको इनकी बता देती हूँ लोकेशन कहाँ पर है। फर्स्ट था हमारा एशिया, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, एशिया। इंडिया भी कहाँ पर है, एशिया में। डन। यूरोप, यूरोप ये येलो वाला पोर्शन क्या है, यूरोप। अफ्रीका, ऑरेंज पोर्शन अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका, ये रहा यहाँ पे आपका लाइट ग्रीन, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, लाइट ग्रीन, साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मैं आपको वर्ल्ड के मैप में शो कर रही हूँ ये। और लास्ट अंटार्कटिका, जो ये पूरा वाइट पोर्शन है ये है अंटार्कटिका। डन। अभी मैं आपको इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैप्टर देखते हैं। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कैसा है ये, बिगेस्ट। एशिया क्या है, बिगेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो इन दो की क्वालिटीज़ तो आपको पता चल गई, एशिया सबसे बड़ा है बिगेस्ट, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट। अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच रिमेन्स फ्रीजन राउंड द ईयर। जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका कहाँ पे है, ये वाइट पोर्शन अंटार्कटिका है। ये जो अंटार्कटिका है ये अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरे ईयर, पूरे साल बर्फ से जमा रहता है। यहाँ का जो पानी है सारा वो जमा रहता है, इसलिए वाइट कलर किया है इसको। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट और फ्रीजन कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको कैसा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट या फिर जमा हुआ कॉन्टिनेंट, ठीक है। फन टू नो, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट हैज़ लैंड विदाउट पीपल। एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है चारों तरफ। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जो मैंने अभी पैराग्राफ कराया है इसको दोबारा रीड करना है और खुद से समझना है, जैसे मैंने समझाया आपको प्रॉपर कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसका नेम और वो मैप में कहाँ पर है, वो भी जैसे मैंने आपको एक एक बताया है उस तरीके से। और इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वन टू थ्री मैंने आपको इन थ्री की क्वालिटीज़ बताई हैं, तो आपको इनको भी लर्न करना है। आप चैप्टर को दोबारा जब इसको रीड करोगे पैराग्राफ को वन टाइम टू टाइम, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आज के होमवर्क की बात करते हैं। ये है आपका आज का होमवर्क, डेट आज की 10/7/20 क्लास नंबर क्या है हमारा, 5 और पार्ट 3, लेसन वन का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं, 3 हम कंटिन्यू क्वेश्चन के आंसर्स डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स है, लाइक देयर नेम्स, उनके नेम बताइए। तो आंसर क्या होगा, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है। मैंने इस तरीके से 7 नेम इस तरीके से आप डालेंगे और उनके नेम लिखेंगे। एक लाइन में मत कर देना, आप अलग अलग लाइन में करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमारा ओशन वाला, जैसे हमने किया था उनकी जो क्वालिटीज़ थी बाद में हमने उनको यहाँ पे फिल किया, तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे और उधर
अगर आप चाहो तो क्वालिटी डाल दो, जैसे एशिया क्या है बिगेस्ट, तो आप जैसे नोट करेंगे एशिया कैसा कॉन्टिनेंट है ये बिगेस्ट, आपको आए तो आप लिखिएगा, वरना आपको नेम तो लिख नहीं है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ ग्लोब, एक ग्लोब ड्रॉ करो छोटा सा मीडियम साइज का, ठीक है, एंड मार्क द इक्वेटर, उसमें आपको इक्वेटर मार्क करनी है, नॉर्थ पोल मार्क करना है एंड साउथ पोल मार्क करना है। ये पिक्चर आपको कहाँ मिल जाएगी, आपकी बुक में जो पिक्चर दी है ये। इस तरीके से आप सर्कल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्लोब बनाओ, सर्कल बनाओ। इक्वेटर जो है वो बीच में एक लाइन होती है, डिटेल में आगे जानेंगे। इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर का ये पॉइंट है ये नॉर्थ पोल, और जो नीचे पॉइंट होगा ये साउथ पोल। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल ऑनलाइन सेशन में भी हम मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी SST की कॉपी और हिंदी की कॉपी साथ लेकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, ताकि मैं आपकी कॉपी देख सकूं कि आपने कितना काम किया है और कितना नहीं किया। चलिए कल मिलते हैं ऑनलाइन।